दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप लोगों के लिए मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी टेस्ला साइबर ट्रक। देखो गाइस कितनी ज्यादा मस्त, कितनी ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही है यार, बिल्कुल रियल टेस्ला साइबर ट्रक जैसी ये दिखाई दे रही है। ये टेस्ला साइबर ट्रक दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी है और इसको हम लोग कंप्लीटली रिमोट से चला सकते हैं और इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी भी दी गई। आपको पता होगा मेरे पास बहुत सारी दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी आरसी कार्स भी है, ये भी उनमें से एक कार है। ये टर्बो रेसिंग की तरफ से आने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी पुलिस कार, आज इसकी फाइट करेंगे हमारे टेस्ला साइबर ट्रक के साथ। और भी बहुत सारी कार्स मैं लेके आ चुका हूँ, जैसे कि ये है गाइस दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी ड्रिफ्टिंग आरसी कार है, ये भी कार मैं आज लेके आ चुका हूँ। और इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल कार है, इसको भी आज अनबॉक्स करके मैं टेस्ट करने वाला हूँ। अब ये कार बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसको हम लोग कंप्लीटली ये रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, आज इसको भी टेस्ट करते हैं। तो चलो गाइस फटाफट से पहले इसको अनबॉक्स करके इसको चला के बताने वाला हूँ। ऑफिशियल लाइसेंस्ड आरसी कार है यार, इस वजह से इसका लुक बिल्कुल रियल टेस्ला साइबर ट्रक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो बॉक्स को इस तरफ मैं पलट लेता हूँ, बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं हमारी टेस्ला साइबर ट्रक को। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा छोटा है, एक बैटरी जितना इसका साइज दिया गया है। कंप्लीटली मेटल की बनी हुई, पीछे की तरफ इस तरीके का डिजाइन है। तो आप लोगों को पता है तो ये वाली रियल कार कल ही लॉन्च हो चुकी है मार्केट में, मगर वो इंडिया में नहीं मिलती यार, वो यूएसए में लॉन्च हुई है। यहां से हम इसको चार्ज कर सकते हैं, यहां पे इसका ऑन ऑफ स्विच आप देख सकते हो। पीछे की तरफ भी इसके अंदर मोटर दी गई है, सामने की तरफ भी इसके अंदर मोटर दी गई है, पर इसके अंदर एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी गाइस, देखो इसके अंदर कहीं पे भी आपको लाइट्स वगैरह नहीं दी गई है। इसके अंदर सामने की तरफ सर्वो भी नहीं दिया गया है, बाकी देखते हैं ये किस तरीके से टर्न करती है और इसकी टॉप स्पीड कितनी है। इसके साथ क्या क्या चीजें मिली है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट की क्वालिटी एक नंबर लगी गाइस मेरे को। देखो यहाँ पे हॉट व्हील्स की ब्रांडिंग दी गई है, ये इसके जॉयस्टिक्स है, पता नहीं यार यहाँ पे ट्रिगर क्यों दिया गया है, मेरे को लग रहा है इसकी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे रिमोट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा बटन भी दिए गए। पीछे की तरफ बैटरी कंपार्टमेंट है। अब ये इसका एक ट्रैक दिया गया, इसका पूरा लंबा ट्रैक खरीदना है तो यार वो सेपरेटली हम लोगों को खरीदना पड़ेगा। तो अब इसके बॉक्स के अंदर एक और चीज होनी चाहिए, वो है इसका चार्जर। अब अनबॉक्स करते हैं ये दुनिया की सबसे छोटी पुलिस कार को, इसको अनबॉक्स करके साइबर ट्रक के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, फिर दोनों के बीच में मैं फाइट भी कराने वाला हूं। ये इसके रैंप्स है, आप चाहे तो कार को इसके ऊपर से जंप वगैरह भी करा सकते हो। ये है हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी पुलिस कार, ये एक मॉन्स्टर पुलिस कार भी आप इसे बोल सकते हो। क्यों इन दोनों को मैं साइड बाय साइड रख के देखने वाला हूं कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। क्लियर आप देख सकते हो टेस्ला साइबर ट्रक टर्बो रेसिंग मॉन्स्टर पुलिस कार के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा बड़े साइज की है। इसके अंदर एक दिक्कत मेरे को लगी गाइस, इसके व्हील्स कंप्लीटली प्लास्टिक के बने हुए हैं और ये ज्यादा वाइड भी नहीं है, पर इसके व्हील्स देखो कंप्लीटली रबर के बने हैं और ऊपर से काफी ज्यादा वाइड भी दिए गए। तो ओवरऑल आज इन दोनों के बीच में फाइट कराने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अब देखो गाइस ये कार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है ट्विस्टर ड्रिफ्टिंग आरसी कार। का प्राइस 5,000 रुपीज होगा। ये सभी कार्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये सभी कार्स को खरीद सकते हो। ये कार के अंदर बहुत सारी स्पेशल चीजें दी गई है, जैसे कि इसका साइज देख लो काफी ज्यादा बड़ा है और इसको फोल्ड करके हम लोग इतनी छोटी भी बना सकते हैं। रिमोट इसका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बिल्कुल एक ड्रोन के रिमोट जैसा ही ये दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा हैंडी है और ये कार को आप एक हाथ से कंप्लीटली चला सकते हो। ये रही पैंथर क्लाइंबिंग आरसी कार, बिल्कुल ये एक रियल पैंथर कार जैसी ही दिखाई देती है। रिमोट बहुत ज्यादा यूनिक होता है गाइस, देख लो ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा डिस्प्ले भी इसके अंदर दिया गया है। ये एक ड्रिफ्टिंग आरसी कार है, मैं तो बोलूंगा गाइस ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी ड्रिफ्टिंग कार है। आप देखो गाइस ये बड़ी कार को अगर मैं ये छोटी कार के साथ कंपेयर करूंगा ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये कार कितनी ज्यादा छोटी नजर आ रही है। इसके सामने ये देख लो, अगर इसके टायर के साइड में भी मैं रखूंगा ना तो देखो इतनी ज्यादा ये छोटी लग रही है। अभी इन सभी को करते हैं टेस्ट, देखते हैं ये टेस्ला साइबर ट्रक के अंदर कितनी पावर है और आज ये भी देखेंगे कि ये कितनी स्पीड से चल सकती है। लेट्स स्टार्ट।
ये सभी कार्स के साथ साथ मैंने वीआर कैमरा कार को भी ले लिया है इनके साथ टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं आरसी टेस्ला साइबर ट्रक को टेस्ट करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रिगर प्रेस किया है, ये कार इतनी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगी है कि मेरे लिए इसको कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन लग रहा है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये कार इतनी ज्यादा फास्ट होगी। ऊपर की तरफ एक ट्रिगर है, देखते हैं इसको दबाने पर। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो यार देखो ये गोल गोल घूमने लगी है। ये कार तो यार ड्रिफ्ट भी कर रही है, मजा आ गया जिसको चला के। अब ये आ चुकी है मेरे पास वर्ल्ड स्मॉलेस्ट आरसी मॉन्स्टर पुलिस कार। इसको मैं 20% पे रख के चला के बताने वाला हूँ। अगर मैं इसको 100% पे रखूंगा ना तो ये कार भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि इसकी भी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा दी गई है। पर गाइस इसको चलाना मेरे को थोड़ा इजी लग रहा है साइबर ट्रक के मुकाबले में, क्योंकि इसके अंदर सामने की तरफ सेंसर्स दिए गए। अब मैं वीआर कैमरा कार को चलाने वाला हूं, साथ में इसका कैमरे का फुटेज भी मैं आपको साइड में बताऊंगा। ये कार बहुत ज्यादा फास्ट है यार दूसरी कार्स के मुकाबले में। साइड में आप देख सकते हो इसका कैमरे का फुटेज कितना ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है। इसको हम लोग बहुत ही छोटी सी छोटी जगह पे भी चला सकते हैं। इसका ये सभी फुटेज मेरे को वीआर में क्लियरली नजर आ रहा है, इस वजह से यहीं पे भी आसानी से चला सकता हूं। अब मैं ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी ड्रिफ्ट कार को टेस्ट करने वाला हूं। नो डाउट ये कार भी बहुत ज्यादा फास्ट है और ये दूसरी कार्स के मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से ड्रिफ्ट भी कर सकती है। अब ये ट्विस्टर कार को टेस्ट करते हैं। ये कार के रिमोट के अंदर बहुत सारे सेंसर्स दिए गए। इसको मैं कंप्लीटली जेस्चर से भी कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया है, इसने अपना शेप चेंज कर दिया। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी। ये देख रहे हो गाइस किस तरीके से ये अपना शेप चेंज कर रही है। अगर मैं इसको लेफ्ट घुमाऊंगा तो ये लेफ्ट घूमेगी। अगर मैं रिमोट को राइट की तरफ घुमाऊंगा तो ये कार राइट को इस तरीके से घूमने लगती है। आप इसको चाहे तो जेस्चर से भी कंट्रोल कर सकते हो या फिर इसके बटन से भी कंट्रोल कर सकते हो। यहां पे इसका बूस्टर है, ये बूस्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। चलो अभी इसको शेप चेंज करके मैं आपको चला के बताने वाला हूं। ये कार भी बहुत ज्यादा स्पीड है, पर आप इसको कोई भी डायरेक्शन में बहुत ज्यादा इजीली चला सकते हो। जैसे कि देखो इसको मैं अभी साइड बाय साइड भी आपको चला के बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स होने के कारण ये हर जगह पर बहुत ज्यादा इजीली चलती है। अब पैंथर क्लाइंबिंग कार को मैं टेस्ट करने वाला हूं। ये कंप्लीटली डिजिटल कार है, इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं और इसके रिमोट के अंदर देखो आप कंप्लीटली डिजिटल तरीके से इसके सर्वो को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा होगा इसके अंदर कोई भी नॉब नहीं है, उसके प्लेस में इसके अंदर डिजिटल स्विचेस दिए गए। तो चलो अभी इसको स्टार्ट कर दिया मैंने। इसके अंदर बिल्कुल एक रियल कार जैसी आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा लाउड आवाज इसके अंदर दी गई है। ये कार चलने में बिल्कुल एक क्लाइंबिंग कार जैसी ही चलती है, इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ओके, अब शुरू करते हैं रेसिंग, देखते हैं गाइस क्या ये पैंथर कार अपनी छोटी सी टेस्ला साइबर ट्रक को हरा पाएगी या फिर नहीं। दोनों के बीच में मैं रेस कराने वाला हूं, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यार जैसे ही मैंने ट्रिगर दबाया टेस्ला साइबर ट्रक बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है। मेरे को नहीं लगा था गाइस ये पैंथर कार इतनी आसानी से हार जाएगी अपनी छुटकू से साइबर ट्रक के सामने। दोस्तों अब आएगा असली वाला मजा, साइबर ट्रक की मैं रेस कराने वाला हूँ मॉन्स्टर पुलिस कार के साथ, देखते हैं कौन जीतता है। दोनों की स्पीड मेरे को उतनी ही लग रही है, पर गाइस देख रहे हो ये साइबर ट्रक बहुत ज्यादा फास्ट है पुलिस कार के मुकाबले में। नो डाउट वीआर कैमरा कार बहुत ज्यादा फास्ट है। अब देखते हैं क्या ये टेस्ला साइबर ट्रक को हरा पाएगी या फिर नहीं। टेस्ला साइबर ट्रक पर इससे दो गुना ज्यादा स्पीड मेरे को लग रही है। जैसे ही मैं ट्रिगर प्रेस करके एक स्विच प्रेस कर रहा हूं तो देखो ये इस तरीके से बहुत ज्यादा फास्ट घूम रही है। अब होगी आमने सामने वाली फाइट, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। स्पीड में तो टेस्ला साइबर ट्रक जीत गई थी, यहाँ पे लड़ाई में भी मेरे को लग रहा है टेस्ला साइबर ट्रक भारी पड़ चुकी है। इसको इसने बहुत ज्यादा आसानी से पीछे ढकेल के रख दिया है। अभी पैंथर कार की लड़ाई तो मैं टेस्ला साइबर ट्रक के साथ नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि दोनों के साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अब इसकी फाइट कराने वाला हूं मैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ड्रिफ्ट कार के साथ, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। टक्कर बहुत ही खतरनाक हुई है दोनों के बीच में, पर पैंथर कार बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है मेरे को। इसने तो यार वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ड्रिफ्ट कार को काफी आराम से रौंद के रख दिया है अपने टायरों के नीचे। अब इन दोनों के बीच में फाइट कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे ट्विस्टर कार ने कमाल कर दिया भाई साहब, इसने तो चुटकी बजाते ही पैंथर कार को हरा दिया है पुशबैक में। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट मॉन्स्टर पुलिस कार के साथ मेरे को इस तरीके के रैंप्स भी मिले थे जंप कराने के लिए। अब देखते हैं जंप टेस्ट करके कौन सी कार सबसे अच्छे तरीके से जंप कर पाएगी। मॉन्स्टर पुलिस कार ने तो यार काफी सही तरीके से जंप किया है, पर ये ज्यादा दूर तक जंप नहीं कर पा रही थी। अब टेस्ला साइबर ट्रक को टेस्ट करते हैं। टेस्ला साइबर ट्रक ने तो यार काफी दूर तक जंप किया था। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ड्रिफ्ट कार को टेस्ट करके देखते हैं, ये कार ने तो यार रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। इसने तो भाई काफी दूर तक जंप लगा दिया है यहाँ पे। ये है मेरी ट्रैक्सस XO1, ये दुनिया की सबसे ज्यादा फास्ट
स्वादिष्ट और सबसे ज्यादा भारी भरकम कार है। अब देखते हैं कौन सी कार इसको खींच पाएगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में रस्सी मैंने बांध दी है। ड्रिफ्ट कार मैं पहले ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे ये कार पूरी कोशिश कर रही है इसको खींचने के लिए। इसकी हवा टाइट हो चुकी है पूरी तरीके से। देखो गाइस ये बिल्कुल भी इसको खींच नहीं पा रही है। काम करते हैं इसको हटा के अब लेके आते हैं पैंथर कार को। देखते हैं क्या पैंथर कार इसको खींच पाएगी या फिर नहीं। पैंथर कार को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप मिल चुकी थी। इसने जस्ट थोड़ा सा ही खींचा है अपनी ट्रैक्सर्स 101 को। उसके बाद में भी इसकी हालत खराब होने लगी है गाइस। अब इसको भी हटाते हैं, दूसरी कार को लेके आते हैं इसके प्लेस में। अब आ चुकी है हमारी ट्विस्टर कार। देखते हैं क्या ट्विस्टर कार इसको खींच पाएगी या फिर नहीं। ट्विस्टर कार बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब तक तो मैंने इसका बूस्टर भी ऑन नहीं किया है, फिर भी यार इसने इतनी भारी भरकम कार को आसानी से खींच लिया है। तो माय डियर दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये मॉन्स्टर पुलिस कार अच्छी लगी या फिर वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टेस्ला साइबर ट्रक सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। अगर मेरी बात करूं तो गाइस मेरे को दोनों ही बहुत ज्यादा मस्त कार लगी यार, क्योंकि दोनों का साइज बहुत ज्यादा छोटा है और दोनों दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है आनंद, असद, करण, चेतन, आकाश, खाजा, अभय, अंकित, अमन, रोहन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।